ABPS News। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई और संगठन पदाधिकारियों ने एकजुटता की आवाज भी उठाई। मथुरा के ब्लॉक चौमुहा में बुधवार को आयोजित बैठक में प्रधानों के अधिकारों के लिए प्रदेश स्तरीय टीम ने प्रधानों से बात की। प्रदेश स्तरीय टीम का नेतृत्व कर रहे संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रधानों के अधिकारों का हनन कर रही है। पूर्व की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने सन 1992 में प्रधानों को कई अधिकार दिए, लेकिन आज उनके अधिकारों का प्रयोग नहीं होने दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान को नेता, सरकार, सरकारी तंत्र सभी परेशान कर रहे हैं। प्रधानों के खिलाफ रहने वाले को संगठन द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कोषाध्यक्ष व बड़ी संख्या में प्रधानों ने पहुंचकर बैठक को सफल बनाया। नमस्कार, और अपने पूरे प्रदेश संगठन की तरफ से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो कम समय में आप लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और जो संदेश हम लेके आए हैं उसको आप यहाँ से अन्य जो हमारे ग्राम प्रधान साथी हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। साथियों, ये तो अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग इस समय कैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, कैसे अपनी प्रधानी को चला रहे हैं। मैं भी जानता हूं, आप सब लोग भी जानते हो कि इस समय जो सपना लेकर हम चुनाव लड़े थे और जीते थे, वो सपना सिर्फ इतना था कि हम अपने गांव के लिए कुछ करेंगे। गांव के लिए जब हम कुछ करेंगे तो ये गांव हमें आने वाले समय में याद रखेगा, हमें सम्मान मिलेगा। बहुत असली बात यह है कि हम जो चुनाव लड़े, चुनाव जो जीते, वो सिर्फ सम्मान की बात थी कि हमारे साथ में जब प्रधान जी शब्द लग जाएगा तो हमारा जो सम्मान पहले था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, ये हमारा सपना होता था। लेकिन जैसे ही हमने प्रमाण पत्र लिया और जो विरोधी हारे, उनके जरिए, सरकार के जरिए, विधायक जी के जरिए, मीडिया के जरिए, हर तरफ से हम लोगों को सम्मान तो कम मिला, अपमान उससे ज़्यादा मिल गया। ये एक फ्री के साथ में डबल फ्री हमें मिल गया। इस सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन ने पिछली बार भी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में 20 अक्टूबर 2016 को कार्यक्रम किया था। तो पहली चीज़ तो सरकार भी उस समय नहीं चाहती थी कि ग्राम प्रधान यहाँ पे कार्यक्रम करें और अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हो। तमाम दबाव बनाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भी इतना दबाव था कि ये कार्यक्रम ना करके आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए और अपनी बात रख दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि जो लोग मेरे बुलाने पर लखनऊ आए हैं तो बिना कार्यक्रम करे तो मैं मानूंगा नहीं। रही बात मुख्यमंत्री से मिलने की, अगर वो हम प्रधानों से डर रहे हैं या हमारी कोई बात सुनना चाहते हैं तो खुले मंच में आके सुन लें। डीएम, एसएसपी और कमिश्नर जिन पदों पर ये लोग बैठे थे, इन्होंने पूरा ये ठान लिया कि कार्यक्रम तो आपको नहीं करने देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा दबाव में लेने की कोशिश की गई।